वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परबत बदोश। और आज हम जा रहे हैं खानपुर डैम इस्लामाबाद से हरिपुर इंटरचेंज से उतरे हैं और अभी ये जीटी रोड है जिधर से हम जाएंगे खानपुर डैम। और देखते हैं, लेट होगी हमें, तकरीबन 4:19 हो रहे हैं जी। कोई नहीं होता, नहीं होता बंद। अच्छा सर, ऐसे ही मजाक प्रैंक कर रहे थे सर, बहुत प्रैंक करते सर, कह रहे थे 5 बंद हो जाएगा खानपुर डैम, मैंने कहा लेट हो गए। अच्छा नहीं, लेट हुई जी हमें, हम अभी जा रहे हैं, अभी हम बस जा रहे हैं, देखेंगे आपको सीन्स दिखाएंगे। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, सुना है, ऐसा सुना है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और देखी भी है एक दो वीडियोस, और जाकर आप लोगों को दिखाते हैं। आजकल काफ़ी रश है नादरन एरियाज़ में, हरान गगान सवात और कराम, तो हमने सोचा क्यों ना ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को दिखाए जाए जहाँ पर लोगों का रश नहीं है, जहाँ पर लोग ज़्यादा जा नहीं रहे, और वो इस्लामाबाद के करीब तरीन जो शहर है वो आप लोगों को दिखाए जाए, ताकर लोग वहां जाकर जलील ना हो। Thank you.
अच्छा जी, अभी हम खानपुर डैम से निकले हैं और बारिश शुरू हो गई थी और हमारे सारे गियर्स गीले हो गए हैं, गिम्बल, कैमरा, ड्रोन, हर चीज गीली हुई, हम तो भागे हैं उधर से। तो ये था खानपुर डैम का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। छोटा सा व्लॉग हमने बनाया ऑफिस के बाद, सारे हम इधर आ गए थे तकरीबन 1-2 बजे हम निकले थे इस्लामाबाद से, इंजॉयमेंट किया और आप लोगों को दिखाना चाहते थे कि इस्लामाबाद से तकरीबन 40-50 किलोमीटर के फासले पर लश रास्ता है, बिल्कुल मोटरवे पर आ पाएंगे। और कोई वैसे आप जीटी रोड से आते हैं तो बहुत ही रश मिलेगा आपको, लेकिन मोटरवे से बेहतरीन रास्ता आपको मिलेगा। और आप लोगों को दिखाना चाहते थे कि इस्लामाबाद के पास कितनी एक्टिविटीज हैं और फैमिली के लिए बहुत बेस्ट जगह, ऐसी वीडियोस आपके लिए इस्लामाबाद के करीब करीब मकामात जो हैं वो इंशाल्लाह आप लोगों को अगली वीडियोस में आप लोगों को दिखाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। छोड़ दे, शाबाश, इजी हो जाए।